या लर्नर्स, तो वेलकम बैक टू स्पेक्ट्रम समरी। हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हुआ है, और उसमें हम बात कर रहे हैं आज मैसूर का रेजिस्टेंस किस तरीके के साथ, किस तरीके से मैसूर जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है पावर इस समय हम मान रहे हैं, जब अंग्रेज राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप समझिए तो अगर मुगल्स मुकाबला नहीं कर सकते थे तो अगर कोई यहाँ पे चैलेंज कर सकता था तो वो तो या तो अवध था, राइट, दूसरा या तो मराठास थे, या फिर तीसरा मैसूर था। तो मैसूर डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और अभी हम समझेंगे भी कि इतना आसान नहीं था मैसूर को हराना। मैसूर को हराने में ऑलमोस्ट इनको जो है लगभग 35 साल लगे, 35 साल बाद, और वो भी जो ट्रीटीज हुई हैं उसमें बहुत बार डिफीट भी हुई है अंग्रेज़ों की, राइट, अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी है, हैदर की डिप्लोमेसी और स्टाइल काफ़ी भारी पड़ा है, एंड देन टीपू सुल्तान डेफिनेटली जो है। तो ओवरऑल समझेंगे कि हाँ, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी गेम, और हमारे लिए भी ये बड़ी हार है। मैसूर अगर ना हारा होता तो शायद कहानी कुछ और बन गई होती, बट हालांकि माहौल ऐसा बन चुका है, स्ट्रेंथ इतनी क्रिएट हो चुकी है अंग्रेज़ों में कि हाँ, वहाँ पे अकेले स्टेट को संभाल पाना मुश्किल है। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि हाँ, मैसूर हारा तो क्यों हारा। आइए शुरू करते हैं। हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी पहले 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री की, सोर्सेज की, अप्रोचेस की, हमने बात करी कि सारे यूरोपियंस कहाँ से आए, पूरा बैकग्राउंड कहानी, हमने बात करी कि ब्रिटिश कॉन्केस्ट के टाइम इंडिया की फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, और अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि 1750 समवेयर से 1757 कह रहे हैं, पिछले चैप्टर में देखा हमने कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी राइज कर रही है टिल 1857, ये कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, एक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बंगाल किस तरह हारा, बैटल ऑफ प्लासी, दिस वॉज 1757, बंगाल हारा। उसके बाद अवध और मुगल्स भी हार गए, है ना, अवध और मुगल्स भी जोड़ लेते हैं, विच वॉज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 जोड़ते हैं इसको, और 1765 में इसी बैटल का इम्पैक्ट क्या है, इसी बैटल का इम्पैक्ट हमको 1765 में देखने को मिलेगा, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपने अगर पिछला वीडियो देख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, खाली हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट हो चुका है, बंगाल अपने कंट्रोल में है, और अब वक्त है दूसरी बड़ी पावर को चैलेंज करने का। मराठास तो भाई अभी चैलेंज कर नहीं कर सकते, तो किसको चैलेंज करें। तो यहाँ पर मद्रास पे अंग्रेज़ों का एक होल्ड है, अंग्रेज़ों का सेंटर है, और उसी के सामने बैठा है मैसूर, इसको चैलेंज करना बनता है भाई, ये है स्ट्रांग पावर, मैसूर स्ट्रांग पावर है, और यहाँ पर डेफिनेटली चैलेंज बनता है कि मैसूर को थोड़ा सा किनारे किया जाए, साइडलाइन किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। क्यों किया जाए, आइए समझते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लें। आइए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड की कि हाँ, हैदर अली का राइज कैसे हुआ है, फिर हम बात करेंगे टोटल चार बैटल्स अगर आप समझिए यहाँ पे, तो इसको हालांकि ईयर रटना नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड कि अगर हमें पता हो तो उससे थोड़ा सी सहूलियत हो जाती है। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि हाँ, इसको रटने का सिंपल तरीका ये है कि हाँ, 1700 में कहानी हो रही है, अभी हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखा था, तो उसके बाद ही होगा जो भी कुछ होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के बाद होने वाला है। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि हाँ, 70, 80, 90, 100, राइट, है ना, 100 इज बेसिकली 1800। तो सिंपल हम ऐसे रट सकते हैं कि हर 10 साल में एक लड़ाई हो रही है ना, ऑफकोर्स दिस इज नॉट एग्जैक्ट ईयर्स, आप खुद ही देख रहे हैं कि हाँ, वो 67 to 69 है, रफली हम कह रहे हैं 70 के आसपास, वो 80 to 84 है, हाँ भाई 80 से है 84 तक जा रही है, तीसरी वाली बैटल जो है 90 to 92 है, और चौथी वाली बैटल एग्जैक्ट 1800 के पास 1799 ही होगी। चार बैटल्स लगेंगी मैसूर को हराने में, आइए एक एक बैटल टेकअप करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सिचुएशन है क्या, कौन हीरोज हैं, कौन यहाँ पे जो है लोग इन्वॉल्व हैं, कौन स्टेक होल्डर्स हैं, आइए समझते हैं। नाउ पहले समझते हैं कि भाई ये मैसूर स्टेट कहाँ से आया, राइट, है ना, ये मैसूर का किला है, कभी आपको मैसूर जाने को मौका मिले तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, इसी के पास सेरिंगापटम है, सेरिंगापटम में मैसूर जो है सुल्तान टीपू सुल्तान का समर पैलेस वगैरह है, उनकी म्यूरल पेंटिंग्स वगैरह आप देखेंगे वहाँ पे, आप देखेंगे कि टीपू ने अपनी फोटोज वगैरह लगा रखी हैं, मराठास वगैरह की ऐसे वॉर की फोटोज लगा रखी, बहुत ही खूबसूरत है ना, तो कभी भी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा जो है मैसूर। फिलहाल बात करते हैं तो क्या था कि पहले विजयनगर अंपायर हुआ करती थी, राइट, विजयनगर अंपायर अगर हम देखें तो जो है 1336 के आसपास कहानी चालू हुई थी, और 1336 से
धीरे धीरे ग्रो करते हुए 1565 तक बढ़िया विजयनगर एम्पायर ग्रो हुई है। अब इसी में कृष्णदेव राय वगैरह भी थे, तो ये जो पूरा इलाका साउथ इंडिया का आपको दिख रहा है, ये पूरा इलाका एक्चुअली विजयनगर एम्पायर राइट है ना, जिसमें सबसे फेमस आपने शायद जो है देवराया का नाम सुना हुआ, देवराया वन, देवराया टू, एंड देन कृष्णदेव राया जो है सबसे ज्यादा फेमस है 1500s में, है ना, 1509 से कुछ 1529 का जो टाइम है वो कृष्णदेव राया का है ना। यानी मैं मुझे क्यों याद है, क्योंकि एक्चुअली ये बैटल ऑफ पानीपत के साथ जो है मैच करता है, करस्पॉन्डिंग है, जब उधर से बाबर की एंट्री हो रही है तो नीचे कृष्णदेव राया है राइट, तो कृष्णदेव राया यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट खैर कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि ये जो इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी एम्पायर यहाँ पे है विजयनगर, वो बैटल ऑफ टल्ली कोटा 1565 से डिक्लाइन होना चालू होगी राइट, डिक्लाइन होती जाएगी, टूट टूट के बिखरने लगेगी, फ्रैगमेंट होने लगेंगे, और उसी का एक फ्रैगमेंटेशन क्या है, मैसौर। तो 1612 समवेयर दिस इज योर मैसौर रीजन राइट, दिस इज योर मैसौर रीजन है ना, मैसौर। और यहां पे जो रूल कर रहे हैं वो कौन है, वोडेयार्स का राज है यहां पे, हिंदू डायनेस्टी है, वोडेयार्स राइट। अब इसमें हम जिस मुद्दे पे पहुंचना चाहते हैं 1750 के आसपास, 1750 पे यहां पे रूल कर रहे हैं चिक्का कृष्णराज वोडेयार राइट टू, चिक्का कृष्णराज वोडेयार टू का उस समय राज है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की कहानी में हम लोग इंटरेस्टेड है ना। चिक्का, हालांकि वोडेयार डायनेस्टी इज नोन फॉर वेलफेयर एंड ऑल, बहुत ही लोकप्रिय डायनेस्टी है, बट ये जो माहौल है 1750 का जो माहौल है ना, ये जो एरा है, ये एरा है युद्ध का, ये एरा है जिसमें मराठास ग्रो कर रहे हैं, है ना, जो बगल में निजाम भी है, तो ये सिचुएशन इनके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन है नहीं। तो दिस एरा डिमांड्स वॉरियर्स, दिस एरा वॉन्ट समबडी हु कैन टेक दिस जनरलशिप, इस युद्ध को संभाल सके, मराठास वगैरह को संभाल सके। तो यहां पे हो क्या रहा है कि चिक्का कृष्णराज वोडेयार जो है, चिक्का कृष्णराज बैकग्राउंड में चले जाएंगे और इनके दो मिनिस्टर हैं निंजराज और देवराज राइट, निंजराज और देवराज के अंडर एक जो है, यू कैन से कि हाँ, ये जो मिनिस्टर्स हैं टेक्निकली, इन्हीं के अंदर है निंजराज देवराज, दीज आर द मिनिस्टर्स जो कि ज्यादा पावरफुल हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्लैशेस, है ना, ये दुनिया भर की जो फाइट्स हो रही हैं, स्पेशली फ्रॉम जो मराठा जो चैलेंज मिल रहा है, फिर निजाम से चैलेंज मिलेगा राइट right. तो यहाँ पे कृष्णराज जो है देवराज जो है, दीज मिनिस्टर्स बिकेम इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं मिनिस्टर्स के नीचे एक सोल्जर है हैदर राइट है ना, हॉर्समैन हुआ करता था, सिपाही हुआ करता था, हु प्रूव्ड हिज एबिलिटी कि भाई मैं तो बड़ा फास्ट हूं, मैं तो बहुत बड़ा, बहुत जो है पावरफुल हूं राइट right. और यहां से हैदर अली का राइज होने लगेगा। हैदर अली जो सिर्फ मात्र एक सोल्जर हुआ करता था, 1761 तक आते आते ही विल बिकम, दिस पर्सन विल बिकम डी फैक्टो रूलर। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भले राजा रहे, ये रहे, फिर इनके बाद इनके वंशज रहे समथिंग, या चिक्का वोडियार्स रहेंगे, बट मैसौर के पास एक छोटी सी जगह है सेरिंगापट्टनम, एंड एनी वे समझिए कि इस एरिया को एक्चुअली रूल कर रहे हैं हैदर। भले राजा है, भले राजा अपने पैलेस पे बैठा हुआ है, लेकिन मेन जो राज्य है वो किसका है, अभी हैदर का, और आगे जाकर टीपू सुल्तान का राइट है ना। मैसूर से पास ही पड़ता है सेरिंगापट्टनम, तो सेरिंगापट्टनम बेसिकली टीपू सुल्तान की सीट ऑफ पैलेस है राइट है ना, टीपू सुल्तान वहां से राज्य करेंगे, वो उनका डिफॉल्ट प्लेस है। तो नाउ हैदर इज राइजिंग, एंड हैदर की डेथ के बाद 1782 में टीपू विल टेक ओवर है ना, और यहाँ पे बगल में ही अंग्रेज है, यही ठीक सामने, अगर मैप दिखे मुझे यही ठीक सामने, ये मैसौर हमको दिख रहा है, मैसौर दिख रहा है हमको, तो बगल में ही मद्रास दिख रहा है, मद्रास अंग्रेजों का स्ट्रांग होल्ड है राइट, यही पास में पौंडीचेरी दिख रहा है, पौंडी, ये फ्रेंच का स्ट्रांग होल्ड है, मद्रास अंग्रेजों का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है राइट है ना। प्लस हमें दिख रहा है कि मैसौर का एक चैलेंजर मराठास, तो एक चैलेंजर मराठास भी है, एक चैलेंजर निजाम भी है राइट। प्लस ये जो एरिया आपको दिख रहा है आरकट, यहां का नवाब भी बहुत बढ़िया बनती नहीं है,
तो टेक्निकली यहाँ पे चार प्लेयर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। इसको थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना देता हूं मैं, हम देखें तो जो मैसूर है, मैसूर इसी के सामने हम देख रहे हैं कि मद्रास है जो कि अंग्रेजों का सेंटर है, यही पौंडिचेरी दिख रहा है, पौंडिचेरी यहां फ्रेंच सेटलमेंट है, फ्रेंच बैठे हुए हैं, राइट। इधर हमें दिख रहे हैं मराठास, ये भी रेड करना चाहते हैं, यहीं पे हमको दिख रहा है निजाम, ये भी मैसूर का फायदा उठाना चाहते हैं। और अब तक 60 तक ये लोग रेड कर भी रहे थे, है ना, काफी सारी रेड्स हुई भी हैं, 66 में रेड होगी, फिर 71 में रेड होगी मराठास की, एंड दे वॉन्ट टू गेट एज मच टेरिटरी पॉसिबल, जितनी भी जमीन आप निकाल सकते हैं, जितना भी एरिया निकाल सकते हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं। तीसरा झगड़ा यहाँ के नवाब, नवाब आर्कट के जो नवाब है, कर्नाटक के जो नवाब है, राइट, इनसे भी नहीं बन रही है। तो चौथे प्लेयर ये भी हैं, फ्रेंच प्लेयर नहीं है, फ्रेंच सपोर्टर है मैसूर का, ही इज द ओनली सपोर्टर ऑफ मैसूर, अगर फ्रेंच को समझे तो हाँ फ्रेंच की ठीक बनती है, राइट। तो ये दुश्मन नहीं है, बाकी चारों जो है वो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे हमें दुश्मन टाइप के दिख रहे हैं, राइट, अगेंस्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब क्या किया जाए या तो 1761 समवेयर जो है ये पूरी तरह से अथॉरिटी दे गए, डी फैक्टो रूलर बन गए, यही समझा रहा था मैं आपको, राइट, डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं, कहते हैं अच्छा डी फैक्टो मैं हूं, मैं ही संभालूंगा। तो अब ये क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन समझिए इनका, ये देख रहे हैं कि मराठास जो है, मराठास मोबाइल बहुत है, मतलब बहुत फास्ट अटैक करता है घोड़े वगैरह का, यानी हमें भी अपने घुड़सवार चाहिए, कैवलरी चाहिए, राइट, हमारी कैवलरी भी बहुत स्विफ्ट होनी चाहिए, तो हाँ उस पर काम करेंगे। सिमिलरली ये देख रहे हैं कि निजाम के पास कैनन्स है, निजाम के पास आर्मी है ट्रेन्ड बाय फ्रेंच, फ्रेंच ने इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, पहले दूसरों की ताकत समझो कि दूसरा क्या कर रहा है, राइट। तो ये समझ रहे हैं निजाम के पास जो है आर्मी भी है जिसे फ्रेंच ने ट्रेंड कर रखा है, और निजाम के पास कैनन्स भी है, राइट। सिमिलरली मद्रास के पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी सुपीरियर आर्म्स है, बंदूकें वगैरह है। तो ही रियलाइज की पहली बात तो मुझे अपने इंटरनल सॉल्व करना पड़ेगा, आई हैव टू यू नो इंक्रीज माई पावर, अपनी पावर इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि मैं इन सब का मुकाबला कर सकूं, राइट। अगर मुझे अंग्रेजों को संभालना है, अगर मुझे लेट्स से मराठास को हैंडल करना है, तो देन आई शुड हैव इनफ पोटेंशियल, राइट। पहले अपना पोटेंशियल, अपना स्किल सेट ग्रो करते हैं, उसके बाद इनको चैलेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई यहीं डिंडुगल में वो सेटअप करेंगे अपनी आर्म्स फैक्ट्री, राइट, यहां भी पूरा जुगाड़ किया जाए, हम भी मॉडर्नाइज हो जाएंगे, पूरी तरह मॉडर्नाइज हो जाएंगे, राइट। अपनी आर्मी में वेस्टर्न ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई हम भी जो है पूरी तरह जो है यू नो जैसे यूरोपियन आर्मीज होती हैं, फ्रेंच ट्रेंड आर्मीज होती हैं, हम भी बुला लेंगे फ्रेंच को, करवाएंगे ट्रेनिंग, बात समझ आ रही है। ऊपर से यस डिप्लोमेसी कि हाँ कभी आप देखेंगे कि मराठास के साथ दोस्ती कर लेंगे, कभी निजाम के साथ दोस्ती कर लेंगे, राइट, है ना। प्लस एक्सपैंड करना चालू करेंगे, तो इधर सेरा वगैरह एक्सपैंड कर लेंगे, अ लॉट ऑफ एरिया विल कम अंडर हिम, तो बल्लापुर, सेरा, बिदनार एटसेट्रा, होस्कोटे, राइट। तो अब ये एक्सपेंशन भी चालू कर दिया, तो नाउ ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही कैन चैलेंज पीपल, ही कैन चैलेंज जो है ही कैन चैलेंज मराठास, ही कैन चैलेंज निजाम, ही कैन चैलेंज इंग्लिश एज वेल, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पास क्या कमी है, क्या मैं उस कमी को फुलफिल कर लूंगा, यस, उसकी कमी को उसने फुलफिल कर लिया, एंड नाउ ही कैन चैलेंज पीपल, राइट। दो इनिशियली अगर हम देखें तो मराठास का झगड़ा अभी चल रहा है, मराठास की बैटल अभी भी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा फिर से टाइमलाइन पे लाते हैं और एक बार समराइज भी कर लेते हैं कि हमने देखा कि 1761 हमने समझा कि 1761 ही बिकेम डी फैक्टो रूलर, किसकी बात हो रही है, ऑफ कोर्स हैदर की बात हो रही है, अभी पूरा डिस्कशन हैदर का है, अभी टीपू सुल्तान की कहीं बात नहीं हो रही, राइट। यहां से 20 साल का टेरेन, अभी 20 साल का जो रूल है वो हैदर का है। तो 1761 डी फैक्टो रूलर, फिर इन्होंने क्या किया, 63 तक समवेयर अपग्रेडेशन, आर्म फैक्ट्री डिंडुगल एंड ऑल, ट्रेनिंग एंड एक्सपेंशन, तेरा वगैरह अपने कंट्रोल में ले आए। तो इनिशियल हम देखेंगे कि स्पेशली टिल 63 अगले 2-3 साल में इन्होंने अच्छा खासा ग्रो किया, थोड़ा सा पहले से भी यू नो ये सारा काम चल रहा था।
राइट, बट मीनवाइल हम समझते हैं कि इसी समय मराठास अटैक करेंगे 66 में, राइट, देन 71 में दोबारा मराठास अटैक कर देंगे, माधव राव एग्जिस्ट करते हैं इस समय, माधव राव, राइट। अब 61 अगर समझो तो मराठास के हिसाब से अगर देखो तो ये लोग बैटल ऑफ पानीपत हारे हुए हैं, तो ये वापस फाइट मार रहे हैं गेम में आने के लिए, तो माधव राव इज ट्राइंग कि हाँ हम फिर से गेम में आ जाए, तो उसके लिए पैसा और चाहिए, उसके लिए टेरिटरी और चाहिए, तो ही इज ट्राइंग टू अटैक, बट अनफॉर्चुनेटली माधव राव विल डाई इन 72। तो 72 तक आते आते ये मराठा की जो पावर है या जो मराठा चैलेंज इसको कर सकते थे, हैदर को कर सकते थे, अब जो है उतना फर्क नहीं पड़ता, अब माधव राव जा चुके हैं। तो कम से कम 72 तक आते आते आप देखेंगे कि हाँ माधव राव या मराठास का चैलेंज अब वीक पड़ गया है, एंड ही विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ टेरिटरी। 74 से 76 ये मराठास पे अटैक कर देगा वर्सेस मराठास हैदर, एंड अपनी टेरिटरीज रिकवर भी करेगा। तो ये थोड़ा सा हम साइड में बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं, मराठास की बात कर रहे हैं कि मराठास और मैसूर का झगड़ा है। अभी ये भी पता चल रहा है हमको यहाँ पे कि भाई मराठास और मैसूर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं, राइट, है ना, दोनों ही स्ट्रांग पावर है और दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। सोचो अगर ये दोनों एक साथ हो गए होते, सोचो ये अलाय हो गए होते, प्रॉपर अलाय हो गए थे, एक साथ तो थोड़ी देर के लिए होंगे लेकिन प्रॉपर अलाय हो गया होते तो ये फॉर्मिडेबल हो गया होता, इनको हरा पाना जो है काइंड ऑफ मुश्किल हो गया होता, बट ये आपस में ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। 66 71 इनका बैटल है, 74 76 जो है हैदर ने अटैक कर दिया है, एंड दे बोथ आर फाइटिंग ईच अदर। खैर, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एनीवे क्योस दिखा रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। बट बात करते हैं कि अंग्रेजों से झगड़ा क्यों हो रहा है, अंग्रेजों के झगड़े को समझते हैं पहले। नाउ अंग्रेजों की प्रॉब्लम बहुत सारी है जिसमें दो मेजर है उसकी बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम है मलाबार कोस्ट। नाउ दिस इज योर मलाबार कोस्ट दिस इज नोन फॉर स्पाइसेस, और मैसूर जो है, हैदर इस कोस्ट पे उसके फ्यूडेटरीज भी हैं, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड। ये भाई है अच्छा ट्रेड, और आप जानते हैं कि यहां मद्रास भी इसी में इंटरेस्टेड है कि भाई हम करेंगे, वो भी इसी ट्रेड में इंटरेस्टेड है कि नहीं हमको ये ट्रेड करने दो। तो अंग्रेज भी यही चाहते हैं कि हमको ये ट्रेड मिलना चाहिए। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेड का कि भाई हैदर सोच रहा है जब ये लोग ट्रेड कर सकते हैं तो हम भी अपना कर सकते, क्यों नहीं कमाए, है ना, कमा सकते। सेकेंड प्रॉब्लम है फ्रेंच। हम बार बार देखेंगे कि ये जो दोनों की दोस्ती होने लगेगी अंग्रेजों को खलेगी, राइट, अंग्रेजों को खलेगी कि भाई क्यों सपोर्ट किया आपने, क्यों आप फ्रेंच के साथ है, फ्रेंच को अगर तुम सपोर्ट कर दोगे, सोचो इतना स्ट्रांग पावर अगर फ्रांस को सपोर्ट कर दे तो ऐसा ना हो कि मद्रासी गायब हो जाए, राइट, अंग्रेजी गायब हो जाए, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सफाया हो जाए, तो इसीलिए खतरनाक है। तो ये दो मेन मुद्दे हैं जो ये लड़ाई की जड़ है। उसके अलावा जो है आप ये समझिए कि हाँ हैदर जिन पर अटैक करेगा अगर उनकी अंग्रेजों से दोस्ती है तो भी दिक्कत है कि यार तुमने मेरे दोस्त को मारा तो लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई सारी चीजों की वजह से दोनों अपोजिट साइड है, तनातनी है दोनों में, राइट, अंग्रेजों और हैदर में, अंग्रेजों और मैसूर में तनातनी है ट्रेड को लेके जो कि ब्रेड एंड बटर है अंग्रेजों के लिए, और दूसरा फ्रांस को लेके जो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या एग्जिस्टेंस पे जो है सवाल है कि हाँ अगर कहीं फ्रांस गोरो कर गया तो अंग्रेजों का सफाया ही हो जाना, तो लड़ाई तो बनती है, फिर झगड़ना पड़ेगा, क्या है भाई सर्वाइवल पे आ गया है तो झगड़ना पड़ेगा, राइट, है ना। तो आइए देखते हैं, तो पहली वॉर समझते हैं 67 to 69 फर्स्ट वॉर। नाउ या फर्स्ट वॉर समझते हैं, तो इसमें फिर से टाइमलाइन बनाते हैं, पहली बैटल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसी में कोशिश करेंगे सेकेंड बैटल भी ऐड कर लें, बट देखते हैं। नाउ 1766 हमने क्या क्या देखा, दुश्मन कौन कौन है, निजाम, मराठास, आर्कट और अंग्रेज, ये किसके किसके दुश्मन है, हैदर के दुश्मन है, राइट। तो कहानी हैदर वर्सेस, एक बार ये देख लो, हैदर ये मैसूर है, मैसूर, इसकी दुश्मनी मराठास से भी है, इसकी दुश्मनी निजाम यानी हैदराबाद से भी है, इसकी दुश्मनी अंग्रेजों से भी है, और यहीं पे आर्कट बेसिकली है कर्नाटक का नवाब, तो आर्कट से भी है, राइट। तो चार प्लेयर अभी हमको दिख रहे हैं, अभी एक और प्लेयर एंटर कराएंगे, बट एटलीस्ट अभी चार प्लेयर हमको यहाँ पे मेजर दिख रहे हैं।
तो पहली बैटल में हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब होता क्या है, होता यह है कि जो है 1766 में एक ट्रीटी होती है हैदराबाद और निजाम के बीच में, सॉरी निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट। निजाम ऑफ हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी होती है कि हाँ जो है हैदर को बोला जाता है, निजाम से बोला जाता है कि भाई तुम ना हमको ये नॉर्दर्न सरकार दे दो, राइट। अंग्रेज बोलते हैं निजाम से, फिर से सुनिए, अंग्रेज बोलते हैं निजाम से कि आओ एक ट्रीटी कर देते हैं, ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत दिस विल गो टू अंग्रेज, तभी देखो रेड हो गया, ये अंग्रेजों का हो गया। बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कल को हैदर जब तुम पे हमला करेगा, राइट, है ना। देखिए क्या जो है गेम खेला यहाँ पे, तो 1766 में कह रहे हैं निजाम को, हैदराबाद को कह रहे हैं कि कल को हैदर अगर तुम पे हमला करेगा तो हम संभालेंगे तुम्हें, हम तुम्हें बचाएंगे। तो निजाम कहेगा बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो है एक दोस्ती क्रिएट हो रही है, राइट, जो है अंग्रेज और हैदराबाद, ब्रिटिश प्लस हैदराबाद। तो निजाम प्लस हैदराबाद अगर हम देखें, निजाम प्लस निजाम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम देखें, तो हमें यहां पे थोड़ा दोस्ती क्रिएट होती नजर आ रही है, राइट, जो कि कह रही है कि भाई जो है हम आपकी मदद करेंगे अगेंस्ट माइसोर। तो दिस ट्रीटी इज नथिंग बट इट इज वर्सेस माइसोर, राइट। यहां से कहानी चालू होती है, तो ये ऑलरेडी एक अलायंस, एक ट्रीटी बन चुकी है। नाउ या तो जब ये ट्रीटी हुई यहाँ पे, तो अब होगा क्या कि हैदर कहेगा अच्छा ऐसी ट्रीटी है ना, तब तो झगड़ा बनता है। तो 67 से लेकर 69 ये पहली बैटल होने जा रही, 67 से 69, राइट। कि हाँ हाँ तुम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, किसको, हमारे एरिया में निज़ाम को प्रोवाइड करोगे, तो फिर झगड़ देते, राइट। अच्छा हैदर ये भी देख रहा है कि मैसूर अंग्रेज़ों के साथ जो है आर्कट भी है, आर्कट से भी उसकी दुश्मनी है, तो वो आर्कट को वैसे ही पसंद नहीं करता, राइट, है ना। कर्नाटक एरिया जो दिख रहा है हमको, आर्कट वाला जो एरिया दिख रहा है, कह रहे हम उसको वैसे ही पसंद नहीं करते, तो बहाना ठीक है, चलो झगड़ लेते हैं, राइट, है ना, जो है वॉर कर लेते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो पहली वॉर हो रही है, जरा ध्यान से समझिए, निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, निज़ाम यानी हैदराबाद प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जाके बुला लाएंगे मराठास को भी, कह चलो भैया लड़ाई हो रही है, मराठास कहेंगे हाँ हमारी भी दुश्मनी है थोड़ी थोड़ी, चलो हम भी चलते हैं। Now this battle is versus Haider. बात समझ में आ रही, राइट। हैदर एक तरफ, हैदराबाद एक तरफ, है ना, हैदराबाद हैदर का नहीं है, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो फिलहाल तो हैदर जो है, हैदर अकेले खड़ा है इस पूरी बैटल में, इस पूरी लड़ाई में, एंड वी विल सी कि हैदर कहेगा अच्छा ठीक है संभालते हैं, एक एक को संभालते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई जो मराठास हैं, मराठास को कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा पे कर देते हैं, आप न्यूट्रलाइज हो जाइए, कौन, हैदर ये गेम खेल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एंड इनसे कहते हैं, निज़ाम से कहते हैं कि जो भी टेरिटरी जीतूंगा तुम्हें भी दूंगा, राइट, तो तुमको भी एक्वायर्ड टेरिटरी मिलेगी, ये इनको वादा कर देते हैं। ये देखिए गेम ऑफ डिप्लोमेसी है ये, राइट। तो अब मराठास भी गेम में नहीं बचे, निज़ाम भी गेम में नहीं बचे, अकेले बचे ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अभी हैदर का सामना कर पाएगी, नहीं। अब कहानी क्या बच गई, कहानी ये हो गई कि नाउ दिस इज हैदर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस आर्कट का नवाब, कर्नाटक एरिया का नवाब, अब ये कहानी बच रही है यहाँ पे, अब ये झगड़ा आर्कट से चल रहा था, राइट। आर्कट से झगड़ा करते करते अचानक हैदर पलटा और उसने अटैक किया मद्रास पे, मद्रास एकदम सत्ते में आ गया, सीज कर दिया उसने मद्रास। अब ये देखो, ये काइंड ऑफ मास्टर मूव था, अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समथिंग उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये काफी भारी पड़ जाएगा, आर्कट का हारना यहाँ पे काफी भारी पड़ जाएगा, उन्होंने कहा सर हम ट्रीटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। और यहाँ पे पहली बार 69 में ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत ये तय हुआ कि गोइंग फॉरवर्ड कभी भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, हैदर के ऊपर कोई अगर अटैक करेगा तो अंग्रेज़ मदद करेंगे, ये यहाँ पे वादा होता है, राइट। कि आगे जाके
जो भी कभी भी अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो ब्रिटिश विल सपोर्ट किसको? हैदर को। ये यहां पे वादा हो जाता है। प्लस होता है कि भाई जो आपने हमारी टेरिटरी ले ली है आप वापस कर दीजिए और हम आपकी जो हमारे पास है हम वापस कर देंगे, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरी भी हो जाता है। तो 69 में ये यहां पे दोनों लोगों में समझौता हो गया है, अंग्रेज और इनमें समझौता हो गया है। हैदर डेफिनेटली भारी पड़ा है, बट इतनी एडवांटेज भी नहीं थी कि हाँ सब यू नो अपने हिसाब से जो है क्लियर कर देता हो, चीजें खत्म कर देता, इतनी एडवांटेज भी नहीं थी। राइट, सो नाउ द गेम इज कि पहली बैटल 67 टू 69 और ट्रीटी ऑफ मद्रास, क्या किसी के कुछ हाथ लगा है? अभी ऐसा कुछ किसी के हाथ नहीं लगा, इट इज मोर लाइक अ ड्रॉ, है ना, कि हाँ जो है कुछ नहीं हाथ लगा यहाँ पे। बट हैदर को डेफिनेटली एडवांटेज ये मिल गया है कि कल को अंग्रेज हमारी मदद करेंगे, अगर कभी मेरी मराठा से लड़ाई होगी तो अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। एक बार क्विक जो है समझो क्विकली वापस कि हाँ पहले ही तीनों एक तरफ थे, हैदर एक तरफ था, राइट, बट हैदर ने दो को किनारे कर दिया बाय डिप्लोमेसी और फिर जाके आर्कट और ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा, मद्रास को सीज कर दिया और उसके पास अपर हैंड आ गया, राइट, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास कर दी, है ना, एक दूसरे के प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे वो भी एक्सचेंज हो गए कि हाँ भैया वापस ले जाओ अपना प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये पहली बैटल हो गई है, दोनों को थोड़ा सा लगा है बट अंग्रेजों को काफी झटका लगा इसमें। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। कहानी आगे बढ़ाते हैं, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गया एंड जो है बात करते हैं सेकेंड मैसूर वॉर, अगली कहानी समझते हैं। अगली कहानी कैसे बिल्डअप होती है? नाउ 61 में मराठास कहते हैं कि एक मिनट वापस अटैक, सॉरी 71 में वापस मराठास का 71 वाला अटैक, है ना 71 में वापस यहां पे, या वापस यहां पे मराठास ने अटैक कर दिया। अब द पॉइंट इज कि भाई यहां पे मैसूर में बैठा है हैदर और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंग्रेज मदद करेंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रिटिशर्स मदद करेंगे। इसे थोड़ा फ्रेश बना देते, मैसूर और अटैक ऑफ मराठास, 1771 का अटैक मराठास द्वारा। अब हैदर ये सोच रहे हैं कि भाई टेक्निकली हमारी हेल्प करेंगे, तो ये हैदर वेट कर रहे हैं अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भैया लड़ाई हुई है आओ आओ आओ, कोई आ ही नहीं रहा, क्या बुला रहे आ ही नहीं रहे, राइट। अब ऐसे में वो देखता है कि अंग्रेज भले मदद ना करें बट यहीं पे एक फ्रेंच टेरिटरी है माहे, माहे हैज बीन ग्रेट हेल्प। क्या बात है भाई, है ना, कि भाई फ्रेंच जो है, फ्रेंच बढ़िया मदद कर देते, बात समझ आ रही है? दिस इज हैपनिंग इन 1771 समवेयर, ही इज रियलाइजिंग कि फ्रेंच की जो यू नो फ्रेंच का जो सपोर्ट सिस्टम है कहीं ज्यादा है, कहीं बढ़िया है, राइट, सो आई शुड रिलाय मोर ऑन फ्रेंच देन ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बात क्या अंग्रेजों को बहुत खलेगी, चुभेगी, कहेगा एट टू हैदर, ऐसा कैसे कर दिया तुमने मेरे साथ दोस्त, राइट, है ना, कि तुम जो है फ्रेंच के हो गए, माहे के हो गए, राइट, है ना। अब ये यहाँ पे डेफिनेटली बुरा लग रहा है, काफी बुरा लग रहा है, पहले खुद ही मदद के लिए आए बट अब बुरा लग रहा है तो लग रहा है। अब इसी समय क्या हो रहा है, एक बार वापस टाइमलाइन बनाते हैं। सेकेंड बैटल की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज सेकेंड बैटल और 70-80-90-100 तो 80 से शुरू होगी, 1780 से चलेगी कुछ 84 तक, 1784, ऐसा बहुत सीरियस ही रटना नहीं है लेकिन हाँ जो है हल्का सा ध्यान है तो फायदेमंद है। तो हमने क्या समझा कि 1771 मराठा अटैक हैदर पे, हम हैदर की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स, मराठा अटैक ऑन हैदर, राइट, कोई मदद को आया, कोई मदद को नहीं आया। इनफैक्ट किसने मदद करी यहां पे सपोर्ट मिला किससे? माहे से, माहे ने दिल जीत लिया, माहे से माही हो गया वो थोड़ी देर के लिए। नाउ अब ये एरा जो है 1775 से, इसको थोड़ा अलग मार्क कर ले, 1775 से 1775 से जो ये एरा है, दिस इज बेसिकली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका में इंडिपेंडेंस का झगड़ा हो रहा है, अमेरिकन
अमेरिकन इंडिपेंडेंस एक दे रहा हूँ, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अमेरिका में इंडिपेंडेंस का झगड़ा हो रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, और इस इंडिपेंडेंस में, इस झगड़े में क्या हो रहा है कि इस झगड़े में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश हो गया है, कि अंग्रेज एक तरफ है और फ्रांस एक तरफ है, राइट। अब यहां पे वो देख रहा है कि अच्छा इंडिया में देखो, ये तो अमेरिका में हो रहा है, बट इंडिया में अब ये दोनों झगड़ चुके, दोनों अपोजिट साइड में। अब इंडिया में वो देख रहे हैं कि अच्छा माहे किसकी मदद कर रहा है, माहे एक्चुअली मराठास की मदद कर रहा है, माहे किसकी मदद कर रहा है, माहे जो है हैदर की मदद कर रहा है, तो कहते हैं ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको सही करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। एंड देन दे ट्राइड कैप्चरिंग माहे, तो ईस्ट इंडिया कोशिश करेगा कैप्चर कर ले माहे, दे ट्राइड टू कैप्चर माहे, कि ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं, एंड नाउ दिस इज अ ट्रिगर, राइट, क्या अच्छा माहे मेरा प्रोटेक्टोरेट है, तो हैदर कहेगा, मैसूर कहेगा कि तो मेरा मेरे प्रोटेक्शन में है, ऐसे कैसे तुम कैप्चर करने निकल पड़े, एंड दिस इज द ट्रिगर फॉर सेकेंड वॉर। तो यहाँ पे सेकेंड वॉर चालू होती है, सेकेंड वॉर टेक्निकली इसी माहौल, इसी दौर में चालू हो रही है, अराउंड 1780, राइट, एंड दिस विल गो टिल 1784। आइए बात करते हैं इस बैटल में क्या हुआ, बैटल की बात करते हैं, तो ये भी काफी भयानक खूनकार बैटल है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर से आप देखिए, इस बार हैदर डिप्लोमेटिकली काफी भारी पड़ेगा, तो सेकंड मैसूर वॉर में हैदर दोस्ती कर लेगा निजाम से, दोस्ती कर लेगा मराठा से, राइट, ये और ये, तो टेक्निकली दिस बैटल विल इनिशियली हैव इसमें देखेंगे आप तो हैदर भी है, निजाम भी है और मराठास भी है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तीनों एक तरफ, मतलब ये सेकेंड बैटल वो है कि हाँ दिल खुश हो जाए कि हाँ तीनों को एक तरफ देख के अच्छा लगा, राइट, क्या अंग्रेजों के सामने ये तीनों एक तरफ, बहुत ही अच्छा लगा हमको, ये बात बहुत अच्छी लगी, राइट, बट ये जो कहानी है ये बहुत देर चलेगी नहीं, ये बहुत लंबी कहानी यहाँ पे है नहीं, है ना, ये जो दोस्ती है तीनों की, ये तीनों थोड़ा सा आर्टिफिशियल दोस्ती है और ये चल नहीं पाएगी। फिलहाल हैदर निजाम और मराठास को लेकर साथ तो आ गए हैं, बट ये बहुत देर नहीं टिकेगी। तो 1781 में आर्कट पे फिर अटैक कर देंगे, फिर आर्कट पे अटैक हो गया, आर्कट समवेयर है, राइट, फिर अंग्रेज खतरे में, अंग्रेज टेंशन में, क्या किया जाए, तो भारी भी पड़ रहे हैं क्योंकि है एक तरफ सारे, राइट, यहां पे कर्नल बेली है आर्कट में, इनकी पिटाई हो गई, बट यहां पर एंट्री होती है आयरकूट डिप्लोमेटिकली मराठास को भी गेम से बाहर कर देंगे, निजाम भी बाहर कर देंगे, है ना, डिप्लोमेसी मराठास निजाम, अगेन कुछ जो है डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ कि हाँ ठीक है चलिए मत सपोर्ट करिए, तो मराठास और निजाम दोनों ही यहां से बाहर हो जाएंगे। हालांकि मराठास में क्या होगा, हम मराठास में बात करेंगे, है ना, कि हाँ भाई उसी समय ट्रीटी ऑफ सालभाई एंड एवरीथिंग हो रही है, राइट, सो दैट्स हाउ मराठास विल गो आउट। तो नाउ तो मराठास एंड निजाम विल लीव एंड दे विल डिफीट, हालांकि हैदर फिर भी लड़ता जा रहा है, एक पोर्टो नोवो करके जगह है यही तमिलनाडु में, पोर्टो नोवो में जो है हैदर हार भी जाएगा एक बैटल, बट एक बैटल हार गया इसका मतलब ये थोड़े वॉर हार गया, एक एक युद्ध हार गया उससे क्या फर्क पड़ता है, एक फ्रंट पे हार गया कोई बात नहीं, वो भी आगे बढ़ा, तो उसने जो है जाके जो है ये फिर अंग्रेजों को हराया, और एक ब्रेथवेट इनको कैप्चर कर लिया, तो ओवरऑल फिर ये झगड़ा काफी तनातनी सी हो चुकी है। तो सेकंड बैटल ऐसा नहीं कि मैसूर, ये मराठास और हैदराबाद जा चुके हैं, तो अब हैदर का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हैदर अभी भी स्ट्रांग है, डटा हुआ है, अभी भी हैदर को चैलेंज कर पाना मुश्किल है, दिस इज गोइंग रियली गुड, हैदर है भारी अभी, कोई अकेले मतलब यहाँ पे कमजोर नहीं है हैदर, राइट, बट हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाएगी 1782 में, अब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, राइट, है ना, कि हाँ इतना अच्छा गेम चल रहा था, बट 1782 समवेयर हैदर की डेथ हो गई, एंड इसके बाद टीपू सक्सीड करेंगे, अभी पूरी कमांड हैदर से आ चुकी है टीपू के हाथ, टीपू भी लड़ते रहेंगे सक्सीड करने के बाद, झगड़ा चालू करते रहेंगे, चालू रहेगा, बट कुछ हो नहीं रहा है, इनकंक्लूसिव है, ना ये जीत रहे हैं ना वो जीत रहे हैं, टीपू भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया हैंडल कर रहे हैं टीपू, तो ऐसा नहीं कि अब टीपू आ गए तो क्या होगा, अरे टीपू और अच्छे जो है संभाल रहे हैं, राइट, ही इज अ वेरी गुड जनरल, तो टीपू मचा रहा है, तो अब हो क्या रहा है कि हाँ दिस इज इनकंक्लूसिव, थोड़ी देर बाद दोनों लोग थक के ये और अंग्रेज दोनों बोलेंगे कि सर पीस ट्रीटी कर लेते हैं, एंड जो है एक इनकंक्लूसिव ट्रीटी विच इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर,
यहाँ पे आपको माहे भी दिख रहा होगा, देखो ये मैसूर में ये माहे दिख रहा है और यहीं पे मैंगलोर है, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगा कि भाई जो है वापस आपकी टेरिटरी आप ले जाओ, हमारी टेरिटरी हमें दे दो, शांति करो, देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा। तो ये सेकेंड बैटल भी इनकंक्लूसिव रही, वी लॉस्ट हैदर, राइट है ना, हैदर को भी नेचुरल डेथ है, ऐसा नहीं बैटल में मारे गए, नेचुरल डेथ इन द सेंस कि हाँ जो है मारा नहीं है किसी ने, वैसे कैंसर से डेथ हो गई। नाउ दिस इज बिल्ड अप फॉर द थर्ड बैटल, 70-80-90-100, तो 90 वाली बैटल है 90 से 92 की कहानी, राइट। अब राजा कौन है, अब राजा है टीपू, राजा इन द सेंस कि हाँ डी फैक्टो रूलर है, राजा तो अभी भी वोडियारसी है लेकिन डी फैक्टो रूलर कौन है, टीपू, कहां से रूल कर रहे हैं, सेरिंगापटम से। अगेन सेम वही कहानी, मैसूर, मराठा, निजाम सारे हमको वैसे ही दिख रहे हैं, वही कहानी हमको दिख रही है यहाँ पे। नाउ यहां पे एक और एंट्री कराते हैं ट्रावनकोर की, ट्रावनकोर यहां पे एक छोटा सा राज्य है, ट्रावनकोर, दिस इज ट्रावनकोर, ट्रावनकोर, राइट। अब होता क्या है कि ट्रावनकोर एक डील करता है जो है डच के साथ, राइट है ना, डच के साथ एक डीलिंग करता है, कहता है कि हमको दो स्टेट, हमको दो जगह बेच दो, जल्ला कोटल और कैनेनोर, राइट। ये उसने डच से खरीद लिया, डच का धंधा सही चल नहीं रहा था, डच ने कहा ले जाओ यार वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा है ना, तो कहे कि हाँ जल्ला कोटल और कैनेनोर, कैनेनोर ले लो हमसे, तो उसने खरीद लिया, राइट। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये जहां पड़ रहा है ये एक्चुअली कोचीन स्टेट के अंदर पड़ रहा है, तो कोचीन स्टेट के अंदर डच की दो जगह है जो उसने बेच दिया, राइट, कैनेनोर और जल्ला कोटल, किसने खरीदा, ट्रावनकोर ने खरीदा, ट्रावनकोर ने खरीद लिया। अब मैसूर का कहना यह है, टीपू का कहना यह है कि एक्चुअली कोचीन मेरे कंट्रोल में आता है, तो तुम कौन होते हो खरीदने वाले, राइट, आप कहां से आ गए सर खरीदने के लिए, राइट, खरीदना होगा, हम खरीदेंगे, हमारे पास रहेगी टेरिटरी, यू शुड नॉट इंटरव्यू, यू शुड नॉट कम इन, एंड दैट इज द रीजन जो ट्रावनकोर नहीं माना, तो टीपू ने कहा ठीक है फिर आओ युद्ध कर लो। तो अब सोचो अंग्रेज भारी, मतलब अंग्रेज से भारी पड़ रहा है टीपू, इस छोटे से राज्य का क्या होगा अगर टीपू अटैक करता है, तो राइट, तो टीपू ने अटैक किया, बट इनके दोस्त हैं अंग्रेज, ये मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कहा ठीक है हमें आना पड़ेगा, एंड एनीवे टीपू पे चेक इंपॉर्टेंट है, टीपू को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते कि हाँ वो अपना कैसे मर्जी एक्सपैंड कर रहा है, ट्रावनकोर पे कंट्रोल करे दे रहा है, ये तो नहीं कर सकते, राइट, तो टीपू को कंट्रोल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ये इसी बहाने तीसरी बैटल किसके चक्कर में, तीसरी बैटल ट्रावनकोर के चक्कर में चालू हो गई, राइट है ना, तो ता से तीसरी, ता से ट्रावनकोर, मतलब था से थर्ड, थर्ड और ट्रावनकोर, चलिए ओके भाई समझते हैं। तो नाउ तो इंग्लिश विल साइड विद ट्रावनकोर, अब इनिशियली टीपू भारी पड़ेंगे, इनिशियली एक जनरल मीडोज हैं वो टीपू से हार जाएंगे, बट अब क्या है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल बन चुके हैं बंगाल में बैठे हुए कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कहेंगे नहीं ये तो काफ़ी भारी है, राइट है ना, इसके लिए तो मुझे खुद पर्सनली इसको जो है लीड करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, राइट, एंड देन ही विल अटैक विद अ बिगर आर्मी। तो अंबूर, वेल्लोर, बैंगलोर होते हुए पहुंचेंगे टीपू के घर सेरिंगापटम, उधर से मराठा तो निजाम को बुला लेंगे कि हाँ सपोर्ट करो, कौन ये अंग्रेज, तो अंग्रेजों को सपोर्ट यहाँ पे मराठा और निजाम कर रहे हैं, एंड दिस इज जो है फॉल ऑफ सेरिंगापटम, टीपू यहाँ पे हार जाएंगे, दिस इज अ वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग ब्लो, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी लेकर आ रहे हैं, मराठास भी आ गए, निजाम भी आ गए, सीधे अपने गढ़ पे, बाहर कहीं लड़ाई नहीं हो रही, घर पे लड़ाई हो रही है, राइट, तो ये टीपू पे भारी पड़ेगा, राइट। नाउ दिस इज हैपनिंग इन 1792-92 की बैटल है ये, तीसरी बैटल। नाउ कॉर्नवालिस कमिंग फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी बैकग्राउंड, यहाँ पे ये चाहते हैं कि टीपू को किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए, दोबारा टीपू लड़ाई नहीं करना चाहिए, दिस इज समथिंग जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है कॉर्नवालिस, राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे बहुत फेमस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए जाने जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनका बड़ा योगदान है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट, राइट, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी, बाय द वे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी इन्हीं को कहा जाता है, इन्होंने ही शुरू करा था, है ना, तो ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनका जिक्र आता रहेगा, बहुत बार आता रहेगा, तो जैसे वॉरेन हेस्टिंग है वैसे ये भी है, बट हाँ वॉरेन हेस्टिंग को क्रेडिट नहीं दिया जाता, इनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है, तारीफ करी जाती है। तो कॉर्नवालिस आ चुके हैं यहाँ पे, और कॉर्नवालिस चाहते हैं कि टीपू को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए, राइट है ना, टीपू शुड नॉट बी एबल टू कम बैक, ये यहाँ पे वो चाहते हैं।
तो यहाँ पे टीपू के साथ एक ट्रीटी होगी, सेरिंगापटम की ट्रीटी, कि हम आ गए आपके घर, सेरिंगापटम आ गए, तो यहीं पे आपके साथ ट्रीटी होगी, राइट, है ना। अब ये कहेंगे कि पहली बात तो तुम अपनी आधी किंगडम दे दो, क्या तुम इतने कमजोर हो जाने चाहिए कि हम पे दोबारा अटैक ना कर सको, आधी किंगडम तुम हमको दे दो, राइट, आधी किंगडम लेके चले गए। 3 करोड़ रुपया मांग लिया टीपू से, कुछ एरियाज मांग लिए, बड़ा महल वो डिंडुगल जहाँ फैक्ट्री लगाई थी, मलाबार कहें, अभी हो गया, बहुत ट्रेड वेट तुम कर लिए, ये सब हमको दे दो, राइट, है ना, काफी टेरिटरीज मराठा निजाम में बटेंगे भी। सो नाउ दिस इज थर्ड बैटल एंड वी विल सी कि यहाँ पे टीपू टेक्निकली हार गए, टीपू पे यहाँ पे ये बहुत भारी पड़े हैं, आधा पैसा है, 3 करोड़ बोला है ना, तो रफली 1.5 करोड़ वो दे पाएंगे, और 1.5 करोड़ बाद में देने के लिए टीपू के दोनों बच्चों को हॉस्टेज बना दिया गया, राइट, ये टीपू के दोनों लड़के हैं, इनको बंदी बना के देगा कि तुम पैसे बाद में जब दोगे ना तो अपने बच्चों को देके जाना। तो ये काफी बेइज्जती भी हुई है टीपू की, राइट, है ना, जो है मैसूर की, एंड डेफिनेटली दे विल बी लाइक कि हाँ इसका हमें बदला लेना है, हमें अवेंज करना है, अपने बच्चों को भी लेकर आना, राइट, है ना। बट यहाँ पे कॉर्नवालिस की कोशिश क्या थी, कॉर्नवालिस चाहते थे कि भाई जो है सॉल्व कर दिया जाए टीपू फॉर एवर, दोबारा टीपू से कोई झगड़ा ना हो, बट ये टीपू को आपने सॉल्व नहीं किया, टीपू को आपने भड़का दिया है, इस ट्रीटी से टीपू को भड़का दिया गया है। तो नाउ तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, जो टीपू, अब ये जो 1790 से 1792 का समय है, सॉरी 1792 से 1799 का समय है, आखिरी बैटल, फोर्थ बैटल, अब टीपू विल एक्चुअली रीस्ट्रेंथन हिमसेल्फ, कितना बदला लिया जाएगा, राइट, टीपू नहीं फैजल हो गए यहाँ पे, क्या सबका बदला देगा ये, राइट, तो आप देखेंगे कि ही विल ऑल्सो ट्राई कि हाँ हम इसको जो है यूरोपियन लाइंस पे आर्मी वगैरह सेटअप करें, यूरोपियन लाइंस में आर्म्स एंड ऑल, राइट, देन जो है प्लस इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, फॉर एग्जाम्पल इनको टाइगर कहा जाता है, टाइगर ऑफ माइसोर, राइट, ही फेमस फॉर जो है जैसे ये अपनी फ्लीट लॉन्च करेंगे, फ्लीट कि हमारी अपनी नेवी होनी चाहिए, ये सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस करेंगे मैसूर में, सिल्क का कल्चर इंट्रोड्यूस करेंगे, सिल्क का कपड़ा, मैसूर सिल्क, राइट, सेरिकल्चर, प्लस यहीं पे समझो आर्म्स की हम जहां बात कर रहे हैं, रॉकेटरी, तो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, इतना बढ़िया रॉकेट अंग्रेजों के पास भी नहीं होता है जितना बढ़िया रॉकेट इस समय टीपू के पास हुआ करता है, टीपू ग्रो कर रहे हैं बेसिकली। तो टीपू टेक्निकली एक ऐसा स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हु इज मिलिट्री वाइज वेरी वेरी स्ट्रांग, और जाके सारी चीजें सॉल्व कर सके, जाके सारा बदला ले सके, राइट। बाकी हम देखेंगे कि ही इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग सपोर्टर, आर्डेंट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सरप्राइजिंगली बट यस, डेमोक्रेसी। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, तो जो फ्रेंच सोल्जर्स वहां पे पोस्टेड है उनको सपोर्ट भी करेंगे, कहेंगे मैं खुद भी जैकोबियन मेंबर हूं, जैकोबियन क्लब को बिलोंग करता हूं, जैकोबियन क्लब, राइट, सेरिंगापटम में ट्रीटी जो है ट्री ऑफ लिबर्टी लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था ना लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ट्री ऑफ लिबर्टी, क्या हम भी आपके साथ, यू विल सी दिस एज़ अ, प्लस ही इज अ वेरी लर्नड मैन, उसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, कहते हैं कि टीपू बहुत अवेयर हुआ करते थे, टीपू इज काइंड ऑफ द ओनली रूलर जो कि ये समझते थे कि ये कॉलोनियल गेम क्या है, राइट, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि ये कोई आज़ादी की लड़ाई है इस समय पे, बट हाँ डेफिनेटली वो अंग्रेजों के खिलाफ इस कॉलोनियलिज्म की वजह से भी थे कि हाँ ये जो यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, जो राज्यवाद ये क्रिएट कर देंगे समथिंग, ये ओवरऑल हमें किस तरीके से भारी पड़ेगा। तो ही वॉज द काइंड ऑफ ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट, उस समय में ही समझ पाए कि हाँ ये किस डायमेंशन में जा रहा है, जो अंग्रेजों का धीरे धीरे जो राज्य ग्रो कर रहा है, ये किस डायरेक्शन, किस डायमेंशन में जा सकता है, कहते हैं कि टीपू वॉज द पर्सन हु कैन गेट दैट, हु अंडरस्टूड दैट। तो यहाँ पे स्टेट का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन अंडर टीपू हमें देखने को मिलता है, राइट, है ना। इनको बायगॉटेड मुस्लिम कहा जाता है कि हाँ इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है, बट यू विल फाइंड बोथ द आर्गुमेंट्स, यू विल फाइंड कि हाँ इधर जो है प्रो आर्गुमेंट भी है, अगेंस्ट आर्गुमेंट भी है। आप देखेंगे कि हाँ जो है उन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया है कुर्ग और नायर में, बट वहीं आप समझिए तो उन्होंने मुस्लिम से भी अटैक किया है, मुस्लिम मोपलास जो थे उनको पनिश किया है रिबेल करने की वजह से। देन उन्होंने केरला में अगर हिंदू टेम्पल तोड़ा है
तो वहीं अपने राज्य में हिंदू टेम्पल्स को प्रोटेक्ट किया है, राइट। एक जो है श्रृंगेरी टेम्पल है, उसमें फंड्स दिए हैं, वहाँ पे शारदा देवी की जो है पूजा, शारदा माँ की जो है यू नो मूर्ति स्थापित करवाई है समथिंग। तो दोनों तरफ हमको आर्गुमेंट मिलते हैं। कहते हैं कि जो ये बायगॉट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉलोनियल है। अंग्रेज ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते थे टीपू को कि हाँ ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। रिलीजियस टॉलरेंस इनके अंदर नहीं है, राइट। इस्लाम को ग्रो करना चाहते हैं, इस तरह का पोर्ट्रे किया गया है, उनकी पिक्चर इस तरह की पेंट करी गई है ओवरऑल, है ना। वो कहते हैं कि हाँ जो पालकियां होती हैं महिलाओं के लिए होती हैं या डिसेबल्ड के लिए होती हैं, राजाओं के लिए पालकी वालकी नहीं होती, तो पालकी में नहीं बैठते थे ये। चलिए तो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं वापस। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस दौरान ये स्टेट को ग्रो कर रहे हैं, 96 समवेयर ये वो इंडेमनिटी का पैसा भी दे देंगे, अपने बच्चों को छुड़ा भी देंगे, राइट। और प्लस 1796 में वोडियार राजा की डेथ हो जाएगी, राइट। तो कहेंगे कि अब मैं ही रूलर हूं, अब मैं किसी वोडियार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अब से मैसूर का जो राजा है वो मैं ही हूं, मैं डिफैक्टो रूलर नहीं हूं, अब मैं दी रूलर, राइट। अब मैं डिफैक्टो नहीं रहा, पूरी तरह मेरा ही कंट्रोल रहेगा, मैं ही राजा हूं यहां पर। तो ये पूरी तरह से राज्य को कंट्रोल पे ले लेंगे इन 1796, राइट। ओके, सो अब ये लड़ाई चालू हो रही है, चौथी बैटल, एक ही साल भी नहीं, एक ही महीने का गेम है ये 1799। तो अंग्रेज और टीपू दोनों यहां पे रिकूप करने की कोशिश करेंगे, वापस अपनी पावर वगैरह लेकर आने की कोशिश करेंगे, राइट। ये अपने बच्चों को भी रिलीज करा देंगे। 1796 मैंने आपको बताया कि टीपू वोडियार्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कहेंगे मैं ही यहां का राजा हूं। नाउ अब यहां पे कॉर्नवालिस के बाद जॉनशोर, और जॉनशोर के बाद आ चुके हैं लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली एग्जिस्ट करते हैं यहां पे, लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली। लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली इज फेमस फॉर सब्सिडियरी अलायंस, कि राजाओं के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करते थे ये, जिसके तहत अलायंस क्रिएट हो जाता था। आप उनको आर्मी प्रोवाइड करते थे, उनसे जो है उनसे पैसे लेते थे, खर्चा लेते थे उस बात का, और वो आपका दोस्त बन जाता था, उसकी उसका इंटरनेशनल रिलेशन भी आपके कंट्रोल में आ जाता था। तो काफी इफेक्टिव जो है एग्रीमेंट इन्होंने ढूंढा था, विच वॉज सब्सिडरी अलायंस। देन इसके अलावा अगर हम समझें तो फ्रांस को लेके काफी सेंटिमेंटल है। फ्रांस का जैसे हमने कहा अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, तो नेपोलियन राइज कर रहा है, तो इनको लगता है कि हाँ ये नेपोलियन कहीं आगे जाके इंडियन आ जाए, तो स्पेशली नेपोलियन, चलो अभी अगर नहीं पढ़ा हुआ आपने तो कोई बात नहीं, इतना समझो कि फ्रांस का भय यहाँ पे है, राइट, है ना, फ्रांस का भय यहाँ पे है। तो वेलीजली, तो अब वेलीजली आ चुके हैं। नाउ अगेन लॉर्ड वेलीजली जब आते हैं 1798 में, तो देखते हैं चार्जशीट टीपू की, कि टीपू किस डायमेंशन में जा रहा है। तो रियलाइज करते हैं कि टीपू जो है एमिसरी भेज रहा है, राइट, है ना, क्या निजाम वगैरह के साथ डिप्लॉटिंग कर रहा है, बाहर फॉरेन में लोगों को भेज रहा है चिट्ठी कि हमारी मदद करो अंग्रेजों के खिलाफ, राइट। तो अफगानिस्तान, काबुल, जमन शाह, देन जो है फ्रांस, मॉरिशस में फ्रांस की आर्मी थी, उनको वर्सलीज एंड ऑल। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू गेट फॉरेन हेल्प अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टीपू का नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट कोशिश। प्लस अपना जो ग्रो हुआ है सो हुआ ही है। नाउ दिस इज अलार्मिंग, ये ऑलरेडी फ्रांस को लेकर टेंशन में है, प्लस तुम फ्रेंच से दोस्ती भी रखते हो और मॉरिशस से मदद भी मांग रहे हो, दिस इज अलार्मिंग फॉर लॉर्ड वेलीजली। ही विल से कि नहीं भाई, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट बैटल, फोर्थ वॉर ऑफ मैसूर 1799। अब इसमें सारे जितने विलन हैं सब आ जाएंगे, राइट, मतलब विलन हमारे लिए, उनके लिए मैं भी हीरो रहे हूँ। तो जनरल स्टुअर्ट हैं, जनरल हैरिस हैं, आर्थर वेलीजी, रिचर्ड वेलीजी के भाई भी हैं, सब आ गए हैं यहाँ पे सरिंगापट्टनम में, राइट। जिसको जो मिल रहा है सब आ गया है, सारे लीडर्स चले आए हैं यहाँ पे, अटैक कर दिया है, एंड टीपू विल बी किल्ड ओवर हियर। तो चौथी बैटल में डिफेंड करते हुए टीपू, राइट, यहाँ पे मारे जाएंगे, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा, उनका खजाना लेके लोग चले जाएंगे एंड ऑल, राइट। और इस तरीके से टीपू सुल्तान की जो ये जो कहानी है, ये टीपू सुल्तान की कहानी यहाँ पे 1799 में ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो ये आखिरी बैटल, राइट। और अब क्या होगा, अब होगा कि जो मैसूर है, मैसूर वापस वोडियार का जो बेटा है, काफ़ी छोटा है वो, उसको दे दिया जाएगा, कृष्णराज थ्री। प्लस बाकी टेरिटरी ये लोग आपस में बांट लेंगे, कुछ टेरिटरी निज़ाम लेके चला जाएगा, कुछ मराठास लेके चले जाएंगे, कुछ अंग्रेज लेके चले जाएंगे, राइट, है ना। और ये कृष्णराज थ्री के साथ वो सब्सिडियरी अलायंस ये भी साइन कर देंगे, कहेंगे तुम भी साइन करो, तो काइंड ऑफ इसके साथ भी अलायंस हो जाएगा। नाउ कुछ आगे की कहानी, 1831 में
मैसूर को पूरा एनेक्स कर दिया जाएगा, इनको भी हटा देंगे, मतलब जो भी उस समय राजा होगा। 1831 मैसूर को एनेक्स कर दिया जाएगा, ये बोल के कि आप लोग रूल नहीं कर पा रहे, प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल कि आप रूल नहीं कर पा रहे, इसको हड़प लेंगे। बट सरप्राइजिंगली 1880s रिपन आएंगे और रिपन इसको वापस कर देंगे। बहुत अजीब है, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट रिपन आएंगे और रिपन यहाँ वापस कर देंगे। अब जब हम रिपन को समझेंगे राइट, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों किया रिपन ने। आगे कहानी है, दूर है वो भी राइट, बट हाँ मैसूर की ओवरऑल कहानी ये है। चलिए तो इसी के साथ हमने जो है सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। हमने राइज ऑफ हैदर समझा और फिर वो 70, 80, 90, 100 चारों ही बैटल हमने बात करी राइट। हमने यहाँ पे जाना टीपू के बारे में, टीपू के दुखद अंत, हैदर की डेथ 1782, ये पूरी कहानी समझी। नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है मराठास, तो अगली कहानी मराठास की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो राइट, कि हाँ मराठास को कैसे हराया एंड और डिटेल में इसको समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, गुड डे।